गोलीकांड के बाद घायल युवती को इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली व अस्पताल प्रशासन से घायल के इलाज के लिए चर्चा की। अखिल भारतीय मलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि देवास की घटना में एक बदमाश ने दलित समाज की युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वह नाकाम रहा तो उसने पीड़िता को गोली मार दी, जहां उसकी कमर में गोली लगी है। समाज अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन से पीड़िता के अच्छे इलाज के लिए चर्चा की और प्रशासन से मांग की है कि देवास का दोषी बदमाश भूपेश शिवहरे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दलित समाज की युवती पर भविष्य में कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे। आज ये दलित समाज की लड़की को जो गोली लगी थी देवास में, क्या है? और आप लोग आज एमवाई में इससे मिलना है, क्या पूरा मामला है? आज तो लगभग 8 बजे, 8:30 बजे के लगभग वहाँ का एक नामी बदमाश है, कोई भूपेश शिवहरे करके, उनने इस बच्ची के साथ जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश करी और उसको जबरदस्ती बिठा के ले जा रहा था, और ये जब नहीं मानी तो इस बेटिया को, वर्षा जो है बेटिया, उसको 2-3 फायर करे, उनने गोली मारी और वो गोली, एक गोली पे कोनी को छूते हुए निकल गई, एक हवा फायर हुआ है और एक कमर में लगी है। वो बुलेट अभी तक निकाली नहीं गई है। कल रात को 9, 9:30 बजे यहाँ पर एडमिट हो गई थी ये बालिका, इसके ब्रदर, इसके पिताजी यहाँ पर आके एडमिट कराए। कल से लेके अभी तक रक्त स्नान अभी तक बंद नहीं हुआ है, खून लगातार बह रहा है। हमें ऐसी आशंका है कि इसकी जान को खतरा इसलिए भी है क्योंकि कहीं पॉइजन न फैल जाए। ऐसी स्थिति में हम एमवाई में अभी आए हुए हैं और अभी पुलिस या जो अधीक्षक है, एमवाई के अधीक्षक अवस्थी जी या ठाकुर साहब जो भी है, उनसे अभी हम चर्चा करेंगे कि भाई इतनी विलंब क्यों कर रहे हैं इलाज में। अगर कल को इस बच्ची के साथ कुछ हो गया तो उसका दोषी जो है एमवाई प्रशासन रहेगा। इस बात को लेकर अभी तो समाज में आक्रोश है और हम इसका इलाज अच्छे से अच्छा कराना चाहते हैं और दोषी की गिरफ्तारी हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी समाज अपेक्षा और आशा करता है। अभी एक अधीक्षक यहाँ आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने अभी करने का बोला है कि मैं करवा रहा हूँ तुरंत, जबकि कल रात को 9:30 बजे से जिस बेटिया को गोली लगी है, 9:30 बजे से वो बेटिया यहाँ पर स्ट्रेचर में पड़ी हुई है और दर्द से कराह रही है और लगातार खून बह रहा है, फिर भी यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, कोई गरीबों की सुनने वाला यहाँ पर दिखा नहीं है। अभी हम समाज के लोग आए माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लता मालवी के नेतृत्व में, और अभी शुक्ला जी से बात करी है तो उन्होंने इलाज करने का तुरंत त्वरित कार्रवाई करने का बोला है। आपका नाम ऊपर बताइए। मेरा नाम पूरा मामला क्या है, वो जबरदस्ती कर रहा था हमसे, वो बोलता है कि मैं शादी करूँगा जब वो दूसरी समाज का। कौन है, क्या कहाँ की घटना है ये? अपने एनजी रोड की घटना है, देवास की। इधर सामने देखना, उसकी गजक की दुकान है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भूपेश। क्या हुआ बताओ? तो वो हमसे जबरदस्ती कर रहा था, तो उसको एक बार पहले भी हमने समझा दिया था, उसके बाद में कल तो ये मैटर आ गया कि बच्ची को उसने गोली मार दी। आपने कहाँ शिकायत करी फिर इसकी, कौन से थाने में? सर थाने में तो मैं गया ही नहीं, फिर मेरे को तो जैसे पता चला नहीं तो मैं एक भैया को लेके यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पे क्या इलाज से संतुष्ट है कि नहीं है, क्या है? सर अभी तो कोई संतुष्टि नहीं है मेरे को इलाज से। कहाँ गोली लगी, क्या हुआ, कैसे आप यहाँ लाए, थोड़ा बताओ। इसको एम्बुलेंस से लेकर आया मेरा भतीजा। अभी ये बलई समाज के जो राष्ट्रीय, कमर में लगी है, ये बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए मनोज परमार। हाँ सर, तो इससे क्या फायदा आप लोगों को, किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है सर? अब आप देख लो, आपको मेरे को इलाज चाहिए और क्या। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश चंद्र मालवीय।